करने चाहिए थे बट वो नहीं करते थे, और अब सारी कंपनी सारे डायरेक्टर्स के बहुत अच्छे अच्छे कंप्लाइंसेज आ रहे हैं, जो बींग अ कंपनी सेक्रेटरी मैं चाहती हूँ कि वो बने रहे, इसलिए आई वॉन्ट मोदी जी। मगर बात होते युवा को बेरोजगार कर दिया, जीएसटी ने मार दिया। जीएसटी ने मारा नहीं है, इट्स अ मिसकंसेप्शन कि जीएसटी ने मारा है। जीएसटी ने नहीं मारा, किसे मारा जीएसटी ने? और कोई युवा बेरोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार पहले भी था। टैक्स तो पहले भी लगते थे जीएसटी वाले, टैक्स तो पहले भी लगते थे, बट जो भ्रम पैदा किया जा रहा है ना, यही हम जनता के मुंह से चाहते हैं कि जनता बताए। नहीं नहीं, टैक्सेस पहले भी थे, पहले आप सर्विस टैक्स, वैट, सेस, अलग अलग इतनी सारी चीजें देते थे, आज आप एक जीएसटी देते हो। पहले आप 10 टैक्स देते थे, आज आप एक टैक्स दे रहे हो, बस ये फर्क है। फर्क सिर्फ नाम का है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, बस एक हवा बना रखा है जीएसटी का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, महागठबंधन के बारे में, हम दिल्ली से हैं, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए कि हमने लाख मनाया वो माने ना। तो जो महागठबंधन के आप मोदी को हराने की बात करते हो, सर आपसे पूछा जाऊंगा, मोदी को आप हराने की बात करते हो, आप कहते हो कि हम हरा देंगे, मगर गठबंधन तो साथ दिख ही नहीं रहा। वहां से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस धोखेबाज है, धोखा देती है, यहाँ से केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस माने ना, तो कैसे हराओगे मोदी को? जब उनकी उनकी टीम में खुद में ही एक वो सेम पेज पे नहीं है, तो फिर कैसे वो कांग्रेस पे उंगली उठा सकते हैं, या फिर वो कैसे उस बीजेपी को हरा पाएंगे? वो कहते हैं मोदी ने, आप किचन में आप भी जाते होंगे, किचन आप संभाल, फॉर श्योर कहा गया है महिलाओं का किचन महंगा हो गया है, सामान महंगे होंगे, सिलेंडर महंगा हो गया, ये सारी चीजें कही जाती है, आप सहमत हो इससे? नहीं, महंगा नहीं हुआ है, इट्स जस्ट कि आपको वो अगर आज फॉर एग्जांपल 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वो सब्सिडी वापस आपके बैंक अकाउंट में आ रही है ना, आपकी जेब से जा रहा है, आपके बैंक में आ रहा है, कहां महंगा हुआ? तो इससे पहले बिना सब्सिडी के दे देते थे, तो उससे आसानी थी ना, 400 रुपए का आ जाता था। हाँ, बेशक कह सकते हो, लेकिन अगर आप हर चीज में एक नेगेटिविटी ढूंढने आओगे, तो नेगेटिविटी हर चीज में है, नो डाउट। बीइंग अ दिल्ली का सिटीजन, आई वुड से कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी काफी ऐसे काम किए हैं जो हमारी रेगुलर लाइफ में जिनकी बहुत जरूरत है। फॉर एग्जांपल, हर घर में इतना लीटर पानी डेली का वो फ्री आता है, जिससे कि आज हमारे घर में बिजली का बिल नहीं आ रहा है, मेरे खुद के घर में, सॉरी बिजली का नहीं, पानी का आज मेरे खुद के घर में हर महीने पिछले 7-8 महीने से आए गए, सॉरी पिछले 1.5 साल से मेरे खुद के घर में पानी का बिल -5000 है, -5000। मैंने इतने महीनों में आज तक अपना पानी का बिल नहीं दिया है, क्योंकि आ ही नहीं रहा है, बिजली का भी रेट कम हुआ है। तो ये हाँ, और आप आज गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स जो पिछले कुछ टाइम में होते थे और आज हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छे लेवल का इम्प्रूवमेंट किया। इतना काम करने के बाद भी आप सबसे ज्यादा सीटें आप लाते हो दिल्ली के अंदर, ठीक है, पूर्ण बहुमत की आप सरकार बनाते हो, फिर भी आपको उसका सहारा लेना पड़ रहा है जिसकी 0 सीटें आई थी। एग्जैक्टली, तो वो अपने आप में आपके खुद के लिए फेलियर है। कस्मे खाई थी माँ, बच्चे, बीवी, इनकी कस्मे खाई थी कि लाख हो जाए, हम कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर आप सत्ता भी लेते हो। हाँ, और सत्ता भोगी भी होते हो। एग्जैक्टली, वो आपका खुद का फेलियर है ना, कि आप अपनी टीम पे भरोसा ना करके दूसरे के पास महागठबंधन के साथ जा रहे हो, और उसमें भी आपकी खुद की टीम सेम पेज पे नहीं है, एक बंदा बोलता है कि वो नहीं मान रहे, एक बंदा बोलता है कि नहीं हमारा हो नहीं पा रहा है, एंड व्हाटएवर। अच्छा, प्रियंका गांधी के बारे में क्या राय है? युवा शक्ति है, प्रधानमंत्री बनने के लायक होनी है? नहीं, एक्चुअली नहीं। अभी कांग्रेस का कुछ दिन पहले चल रहा था कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि भैया कहेंगे तो मैं लड़ूंगी बनारस से चुनाव, आज फाइनल हो गया, नहीं लड़ रही, तो क्या पता? तो सिर्फ तो अगर कोई देश के डिसीजन लेने की बात आएगी तब भी वो यही कहेंगे कि क्या कि भैया कहेंगे तो मैं ये करूंगी। कांग्रेस के अध्यक्ष है वो। थैंक यू। हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके भैया। तो अगर आज मुझे क्या करना चाहिए, अध्यक्ष ही नहीं मालूम तो क्या? अध्यक्ष ही भैया जी से पूछ के बताएंगे, तो भैया जी को ही उतारो ना, उनको क्यों उतरना है? तो क्या लग रहा है 2019 के जो चुनाव की जो राह है, मोदी जी तय करेंगे या राहुल तय करेंगे या महागठबंधन? महागठबंधन का तो पता ही नहीं है कौन। महागठबंधन तो सिर्फ उनके ड्रीम्स में है, और एक्चुअली बहुत सही कहा, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, पावर हमारे हाथ में है, किसी विदाउट मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किसी मोदी जी, किसी और गांधी, किसी के हाथ में पावर नहीं है, पावर हमारे हाथ में है, हम डिसाइड करेंगे। शायद ये डिसाइड हो चुका है कि मोदी जी ही आएंगे। ऐसे किन मुद्दों पर आप मोदी जी के साथ खड़ी हैं? मैं तो बता रही हूँ, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं इन्हीं मुद्दे पे उनके साथ खड़ी हूँ। जॉब्स आई हैं एक्चुअली, जो लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत अच्छे लॉज बन रहे हैं।
डिजिटल इंडिया साल में चले जाएगा क्या? तो फिर भी तो अनिल अंबानी को गालियां दी जाती है, तो क्या हो गया अनिल अंबानी? तो देते रहो गाली, गाली तो आज मोदी जी ने इतने काम करे हैं, मोदी जी को भी पड़ती है गाली तो विदाउट हैविंग एनी डाउट। काम तो केजरीवाल जी ने भी किए हैं, लेकिन गाली तो उनको भी पड़ती है। किससे क्या क्या हो गया उनका गाली देने से, किस किसका क्या चला गया? तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी? मोदी लास्ट चॉइस, घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर मोदी, घर घर मोदी। कांग्रेस के अगर धोखा देने की बात, एक नारा बोलिए सभी जने, ईमानदार बोलिए, चौकीदार ईमानदार, चौकीदार ईमानदार, चौकीदार ईमानदार, चौकीदार ईमानदार।